हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि माई इलेवन सर्कल का आप कैसे यूज करेंगे, कैसे आप माई इलेवन सर्कल में खुद की टीम क्रिएट करेंगे और कैसे पैसे अर्न करेंगे। और गाइस, जो पैसा आप अर्न करते हैं उस पैसे को आप अपने बैंक में कैसे विड्रॉ करेंगे, ये भी सारी आज की इस वीडियो में मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो गाइस पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहां पे जाकर आपको माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, हम आपको कैसे यूज करना है वो आपको बता देते हैं। तो गाइस, जब फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन जैसे साइन अप करेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर से इस एप्लीकेशन में साइन अप कर लेना है। माई इलेवन सर्कल ऐप में जब जैसे आप एंट्री करते गए तो यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे क्रिकेट का, फुटबॉल, कबड्डी एंड बास्केटबॉल, तो ये चार गेम यहाँ पे दे रखे गए। तो पहले हमने क्रिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस वजह से क्लिक करते गए तो जितने भी यहाँ पे अपकमिंग मैचेज हैं, जितने भी अपकमिंग मैचेज वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे सारे, इनमें से आप किसी भी मैच में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और इनका यहाँ पे जो विनिंग प्राइज है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फुटबॉल, इस वजह से क्लिक करते हैं तो फुटबॉल में जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे अपकमिंग मैचेज है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखेंगे। थर्ड है यहाँ पे कबड्डी, कबड्डी वाला ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो कबड्डी से रिलेटेड जितने भी अपकमिंग मैचेज हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गाइस जितने भी कबड्डी से रिलेटेड मैचेज हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। लास्ट है यहाँ पे बास्केटबॉल, तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो बास्केटबॉल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे अपकमिंग मैचेज वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सुबह जब हम यहाँ पे क्रिकेट वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, यहाँ पे जो अपकमिंग मैचेज चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इनमें से आपको जिस भी मैच में अपनी टीम क्रिएट करनी है वो यहाँ पे मैच को सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पे पहला ही आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं, टाटा आईपीएल 2024। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये मैच गाइस यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्राइस पोल चल रहा है, यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे और यहाँ पे गाइस अलग अलग प्राइस के हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलेगा आपको। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए गाइस, यदि आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए वे टाटा एसयूवी की यहाँ पे आपको कार मिलेगी। सेकंड रैंक पे आते हैं तो आपको 5 लाख रुपए और टाटा एसयूवी की यहाँ पे कार मिलेगी। थर्ड वाले में आपको 1 लाख रुपए, फोर्थ में आएंगे तो आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। और गाइस यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे गाइस जो भी पैसे आप अर्न करते हैं, यानी कि आपने 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए यदि अर्न कर लिए तो आपका उसका 30% का यहाँ पे टैक्स कटेगा, उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाइस आपको ज्वाइन करके दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे एंट्री फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते गाइस तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी टीम तैयार करनी है, टीम में आपको यहाँ पे 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं विकेट कीपर, बैटिंग, ऑलराउंडर एंड बॉलिंग। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें आपको 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, किसी में आपको 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4, आपकी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ से प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेयर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल। जैसे हमने यहाँ पे विकेट कीपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है तो इसमें हम 2 प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, बैटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 2-3 प्लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराउंडर में हम यहाँ पे 3 प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉलिंग में हम यहाँ पे 3 प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे टोटल प्लेयर हो गए 11। ठीक है, अब आप चाहते गए जो प्लेयर आपने सिलेक्ट किया अपनी टीम में उन प्लेयर का पिछले मैच का परफॉर्मेंस आप चेक करना चाहते हैं, कितने पॉइंट्स लिए, कितने विकेट्स लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। यदि आप ये सारी चीजें चेक करके प्लेयर को सिलेक्ट करते गए तो आपका फर्स्ट रैंक पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीजें देख करके परख करके ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको गाइस ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आई का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने गाइस यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्लेयर ने कितने पॉइंट्स लिए, कितने विकेट्स लिए, यहाँ पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से वन बाई वन जो भी प्लेयर आपने सिलेक्ट किया उस तरह से आप उनका पिछले मैच का परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, तो हमने यहाँ पे टीम तैयार कर ली, 11 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट कर लिए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इस वजह से क्लिक करते गाइस तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको ध्यान से देखनी है वीडियो को, यहाँ पे गाइस काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज है मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैप्टन गाइस आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे आपको पॉइंट मिलेंगे, उससे काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो कैप्टन गाइस आपको काफी जांच परख के बाद ही यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कैप्टन यदि 100 पॉइंट्स यहाँ पे बनाता है, यानी 100 पॉइंट्स कैप्टन कर ले बना लेता है आपके लिए, तो उसके आपको यहाँ पे डबल मिलेंगे 200 पॉइंट। ठीक है, कैप्टन यदि 100 पॉइंट यहाँ पे अर्न करता है तो आपको उसके 200 मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वाइस कैप्टन के आपको 1.5x पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको काफी जांच परख के बाद ही यहाँ पे सेट करना है।
तो कैप्टन के लिए आपको सी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे कैप्टन सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वाइस कैप्टन के लिए आपको बी सी पर क्लिक कर देना है। तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टीम पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कर देना आपकी ये टीम यहाँ पे सेव हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ऐड कैश का ऑप्शन आएगा। तो आपके पैसा हमने ऐड नहीं किया, यानी डिपॉजिट नहीं है आपके 11th माई 11th सर्कल पे, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आप मैच में ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपसे गाइज एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको बैकअप टीम भी यहाँ पे आप लोग आपको यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। तो बैकअप प्लेयर के लिए आपको आना हो अपनी माई टीम वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। उस पर आने के बाद आपको उस टीम को सिलेक्ट कर लेना जो टीम आपने अभी क्रिएट की है। वहां पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे मैन का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको बैकअप प्लेयर्स भी यहाँ पे रखने चाहिए, कोई भी यहाँ पे 4-5 बैकअप प्लेयर्स यहाँ पर रख सकते हैं, 4 प्लेयर आप रख सकते हैं बैकअप के लिए, ठीक है। तो बैकअप प्लेयर का आपको ये फायदा हो जाता है, आपके प्लेयर यदि आपने जो टीम में प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो किसी कारणवश नहीं मैच खेल रहे, तो यदि आपके बैकअप प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव है तो आपके ये बैकअप प्लेयर उन प्लेयर्स की जगह पर खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकअप प्लेयर का आपको फायदा हो जाता है। अब बात करते हैं जो पैसा आपने यहाँ पे विन कर लिया, जो पैसा यहाँ पे आपने अर्न कर लिया, उस पैसे को आप कैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो वॉलेट वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप विनिंग बैलेंस देख सकते हैं और टोटल बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो विड्रो का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूपीआई एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। आप यदि ज्यादा अर्न करते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो आपको गाइस बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा। आप उसी में अपना पैसा लेना तो वो सेफली रहेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे अपना बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पे ऐड कर देना, तो आपके यहाँ पे बैंक ऐड हो जाएगा। उसमें आप जितना भी पैसा अर्न करते हैं उस पैसे को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और गाइज यूपीआई में और बैंक अकाउंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको उसी नाम से यहाँ पे बैंक अकाउंट और यूपीआई नंबर यहाँ पे डालना है जिस पर्सन का नाम आपने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप में साइन अप करते टाइम डाला है, ठीक है। तो वही नाम होना चाहिए तभी आपका पैसा विड्रॉ होगा, अदरवाइज पैसे में आपकी दिक्कत होने वाली है, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर कर देना, जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, चाहे अपने यूपीआई में चाहे बैंक अकाउंट में, उसके बाद आपका यहाँ पे पैसा विड्रॉ हो जाएगा डायरेक्ट। सो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कैसे आप माई 11 सर्कल ऐप का यूज करेंगे, कैसे यहाँ पे प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, अपनी टीम तैयार करेंगे, और उन प्लेयर्स का कैसे पिछले मैच का यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि पिछले मैच में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो ये सारी चीजें आपको बता दी है। बैंक में पैसे को कैसे ट्रांसफर करना है ये भी आपको समझा दिया है। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।